साधक मित्रों, फुर्सत दो घड़ी की नहीं, भरोसा दो घड़ी का नहीं, सामान 100 बरस का उठा के हम चले। सामान संग्रह कितना करके चले हैं हम, फुर्सत तो दो घड़ी की नहीं है, भरोसा हमारी ज़िंदगी का नहीं है, फिर भी सामान कितना संग्रह करके चले। वो एक संग्रह है और दिल पर बोझ का एक संग्रह है। कितना दिल पर बोझ उठा के हम चल रहे हैं, दुखों के पहाड़ ढोते चले जा रहे हैं, हमारे कंधे थक गए हैं, पैर पैर के घुटने कंप हो रहे हैं, फिर भी हम वो सब उठा के और उस दुख में आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमने हमारी हालत बना ली है। तो विपश्यना शिविरों में गुरुजी कहते हैं, न पूर्वाताप है, न पश्चाताप है, न प्रायश्चित है, बस साधक को तटस्थ होना है, साधक को स्थित प्रज्ञ होना है, सभी दुखों की निर्झरा हो जाएगी। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस नाम की कविता में भी, पोयम में भी यही बताया गया है। जो जिसको अध्यात्म की यात्रा करनी है, जिसको कोई सिर्फ यात्रा ही क्यों नहीं करनी है भौतिक जगत की, उसे भी जितना कम सामान हो, जितना कम से कम सामान हो, उतना वो सुखपूर्वक यात्रा कर सकता है। यह तो अनंत जीवनों की हमारी यात्रा चल रही है, तो इन दुखों का, इन यादों का, बोझ भरी यादों का, यादों की बारात हम साथ लेके चल रहे हैं, जो सब तरफ से जिसे काटे ही काटे हैं, दुख ही दुख है, छाले ही छाले पैरों में पड़ेंगे, क्योंकि यह सब गर्म गर्म लावा रस से हम चल रहे हैं। तो मित्रों, इससे अगर छुटकारा पाना है तो विपश्यना जैसी दूसरी कोई साधना नहीं है जो हमें इन दुखों से मुक्त कर देगी। आपने देखा होगा कि महाभारत में भी जब आखिरी समय में युधिष्ठिर महाराज स्वर्गारोहण के लिए जाते हैं, पांचों पांडवों के साथ आते हैं, तो एक एक साथी गिरता चला जाता है, द्रौपदी गिरती चली जाती है, आखिरी में एक कुत्ता और महाराजा युधिष्ठिर उस चढ़ाई को, स्वर्ग की चढ़ाई को, हिमालय की चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते स्वर्ग तक पहुंचते हैं। ये ईमान का कुत्ता धर्मराज के साथ है। यह एक ईमान, यानी कि यह एक उनकी निष्ठा का एक कुत्ता रूप बताया गया है, उसे श्वान रूप बताया गया है, वो उनके साथ है। तो उन्हें भी सब कुछ छोड़ते छोड़ते ऊपर तक पहुंचना पड़ा। भीम छूट गया, नकुल, सहदेव, अर्जुन सब छूटते गए। उसी प्रकार महादेव जब एक साधना में लीन होते हैं तो बैलगाम में, यानी कि पहलगाम में नंदी जी को छोड़ देते हैं, शेषनाग में नागनाथ को छोड़ देते हैं, कहीं कमंडलू रख देते हैं, कहीं पर त्रिशूल रख देते हैं, और कहीं पर उनका बाकी की सब हर चीज़ छूटते छूटते जाती है, और स्वयं अकेले ही वहाँ जाकर साधना करते हैं। अमरनाथ में तो सिर्फ भस्म लपेटे हुए हैं सारे अंग पर। यह भस्म क्या है? यह अनित्य की भस्म है जो कि विपश्यना साधना साधक को सिखाती है। यह अनित्य की भस्म से साधक देखता है कि सब नश्वर है, सब नश्वरता की ओर जा रहा है, और साधक उस रंग में रंग जाता है, और उदय व्यय देखते देखते विपश्यना का साधक अपने कर्मों की निर्झरा करते जाता है। तो मित्रों, विपश्यना ध्यान, आप सिर्फ फॉर्म भरिए और वहाँ शिविर तक चले जाइए, बाकी काम सब आपको कुछ करना नहीं है, बाकी सारा साधना जो आपको असंभव लगती है बाहर, 10 दिन की साधना, 10 दिन का मौन, 10 दिन का पूरा समय तक ध्यान करना एकांत में, आपको जो असंभव लगता है वहाँ भी एकदम सहज और बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ध्यान की तरंगे, वहाँ साधक मित्रों का ध्यान, एक साथ ध्यान करने का यही तो फल है कि आप बिल्कुल सहज साधना आपकी होते जाती है। तो साधक मित्रों, और भी बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस बार मैं और एक मेरा अनुभव शेयर करता हूं। मैं एक मेरे अपने करीबी रिश्तेदार के यहाँ ठहरा था,
जमींदार हैं, वो जमीन का उनका खेती का काम है, तो उसमें 5 बड़े बड़े नीम के पेड़ थे। तो यदा कदा वो पेड़ ठेकेदारों को, जो वहाँ के जनाब थे, उनको बेच देते थे। तो मेरे सामने उनका सौदा चल रहा था, 5 खेत उनको बेचना थे, 5 झाड़ उनको नीम के बड़े बड़े बेच देना थे, क्योंकि उनको खेत भी बेच देना था। तो उनको लग रहा था कि भाई इसके इसके अभी पैसे आ जाए तो अच्छा है, खेती तो नहीं बिक रही। और वैसे भी आप जानते हैं काश्तकारों की हालत बहुत बहुत गंभीर होती है, उनकी हालत बहुत बहुत नाजुक होती है, उन्हें बार बार साहूकारों से या बार बार बाहर के लोगों से कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है उधारी में, तो ही वो चल पाते हैं। खेती वैसे भी एक फ़ायदेमंद सौदा, फायदे की बात नहीं है। खेती बहुत बहुत मेहनत की और बहुत उसमें कष्ट का काम है, और उसमें उतना फ़ायदा नहीं निकलता है। बार बार कि सूखे से या बार बार के अतिवृष्टि से या और भी कोई अनेक कारणों से ये परिणाम आते हैं। तो वो अनचाहे भी बेचना चाह रहे थे और मैं वहाँ पर उपस्थित था, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो ठेकेदार वहाँ था, उसको लेना था, उसकी बुरी उसमें यह लग गई थी, एक उसे उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाना था वो लेकर, और इनको क्योंकि रोज़मर्रा कि जिंदगी चलानी थी तो उन्हें बेचना भी ज़रूरी था क्योंकि ज़मीन नहीं बिक रही थी। और मैं उनके बीच में पढ़कर ये कहूँ कि मैं आपको दे दूँ अभी, तो अभी भी दे दिया तो वो 2 महीने से और बेच देंगे वो खेत, जब उनको झाड़ जब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और ये ठेकेदार का जो उसमें रुचि थी, उसका जो एग्रेसिव था, उसमें खरीद में नहीं पड़ पा रहा था। या हालांकि निसर्ग को बचाने के लिए पशु पक्षियों का जो एक की जगह है, जो उनका घरौंदा है, उसे बचाने के लिए हमने जी जान लगा देनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं वहाँ न जाने क्यों मौन रहा, पर मन के मन में विपश्यना की याद करता रहा और विपश्यना साधना के बारे में सोचता रहा कि न जाने कि ये ध्यान साधना का फल जो है ऐसा मिल जाए कि यह सौदा न हो और ये दोनों का भी काम निकल जाए, लेकिन यह सौदा न हो और वो पेड़ काटने न पड़े, यह मेरी इच्छा थी। और यह मैं ध्यान साधना से कोशिश कर रहा था, मेरी ध्यान की तरंगों से, कि यह बात जो सो न बने। तो हुआ ऐसा कि सौदा तो हो गया और वहाँ जनाब पैसा लाने के लिए चले गए, लेकिन चले तो गए वो जनाब पैसा लाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन वह आ नहीं पाए। मुझे तो मालूम है कि यह साधना की कमाल है कि वो वापस आ ही नहीं सके, कि उन्हें लेना ही था सौदा, इन्हें बेचना ही था, लेकिन वह सौदा बिल्कुल वहीं पर रहित हो गया। यह साधना की कमाल की बात है, यह अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। मित्रों, जब भी मैं, अब तो ऐसी आदत सी बन गई है, जब भी मैं देखता हूँ 4 लोग जमा है और कुछ फिजूल बात हो रही है या वाद विवाद की बात हो रही है, तो बिल्कुल मैं मेरा एकाग्र हो जाता हूँ, मेरी सांसों पर ध्यान लग जाता है या मेरी संवेदनाओं पर ध्यान लग जाता है, और मैं यह सोचने लग जाता हूँ कि यानी कि ब्रह्मरंध्र से जो गुरु जी कहते हैं कि मेत्ता धातु लीजिए और उसके बाद हृदय से उसे सबकी ओर मैत्रा धातु का प्रसारण कर दीजिए, उस प्रकार मेरा बिल्कुल स्वभावता ही होने लग जाता है। जब कभी मैं ऐसे विवाद की जगह पे देख लूँ या कहीं कुछ बात देख लूँ, तो और देखता यह हूँ कि रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं परिणाम, और वह बात वहीं रुक जाती है या कुछ प्रेम में उससे छुटकारा हो जाता है, आपस में तालमेल होकर छुटकारा हो जाता है। वैसे ही जब जब दवाखाना या कोर्ट कचहरी की बात, जेल के नज़दीक से जाने की बात आती है, तो भी मैं एक अपने मन में से अच्छे तरंगे उस वातावरण को, यानी कि दवाखाने की हो या हॉस्पिटल की या फिर जेल की या फिर और भी विवादित स्थानों की या कब्रिस्तान की या कुछ स्मशान की, तो वहीं से भी मैं गुजरता हूँ, तो मैं मन में से ये करता हूँ कि भाई यहाँ तरंगे देता हूँ कि भाई ये मैत्री की तरंगों से इनका कल्याण हो, इनका शुभ हो, इनकी सद्गति हो, ऐसा बोलता हूँ, और इन्हें शांति मिले और इन्हें एक प्रकार से सुख हो, ऐसे मैं मनोमन
तरंगे उन्हें भेजता हूँ। वैसे ही जब जब कुछ एम्बुलेंस का सायरन की आवाज़ आ जाए या जब जब ऐसा अग्निशमन दल की वो जो बेल बजती है उसकी आवाज़ आ जाए या कहीं कुछ ऐसे धमाके से आवाज़ सुने तो ऑटोमेटिक मेरा मन एकाग्र होकर ऐसी तरंगे निर्माण करने लगता है कि भला हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। और मैं देखता हूँ कि इसके अच्छे परिणाम निकलते हैं। धन्यवाद।